समालका नगरपालिका को नगर परिषद बनाने की मांग को लेकर समालका बचाओ संघर्ष मोर्चा ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा मांग पत्र। RTI कार्यकर्ता PP कपूर ने जानकारी देते बताया कि समालका नगरपालिका की आबादी बढ़ चुकी है और 1982 में समालका नगरपालिका बनी थी, उसके बाद यहां पर आबादी बढ़कर ज़्यादा हो गई जिसके चलते उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। वहीं उन्होंने बताया कि समालका की मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि पिछले दिनों वह समालका की सर्विस रोड को लेकर भी उन्होंने कई बार धरने प्रदर्शन किए हैं और उन्होंने SDM को ज्ञापन भी सौंपे हैं। वहीं उन्होंने जानकारी दी कि समालका बचाओ संघर्ष मोर्चा ने अब यह मांग रखी है कि समालका नगरपालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं लोगों को समय पर मिल जाए। वहीं RTI कार्यकर्ता PP कपूर ने जानकारी दी कि यहाँ पर नगर परिषद बनने के बाद यहाँ पर नगर परिषद में स्टाफ भी बढ़ जाएगा और लोगों के सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं वह समय पर पूरा हो पाएंगी। इसी मांग को लेकर आज समालका बचाओ संघर्ष मोर्चा के सभी पदाधिकारी समालका के SDM कार्यालय में पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने मांग पत्र सौंपा कि जल्द से जल्द समालका नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया जाए। आज हमने SDM साहब को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम ज्ञापन दिया है समालका बचाओ संघर्ष मोर्चा की तरफ से। उसमें हमने मुख्य तौर पर ये मांग करी है कि समालका नगर पालिका को समालका नगर परिषद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज से 40 साल पहले 1982 के अंदर यहाँ नगर पालिका बनी थी। उस टाइम यहाँ की 20,000 आबादी थी, आज आबादी 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके लिए ये एलिजिबल है। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि इसको जो है नगर परिषद बनाया जाए, उससे यहाँ पर बजट भी ज़्यादा आएगा, फंड भी ज़्यादा आएगा, विकास कार्य भी ज़्यादा होंगे, नगर पालिका के अंदर स्टाफ भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा हमने ये मांग करी है कि समालखा में जो फ्लाईओवर के नीचे सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं महिलाओं के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। इसके अलावा हमारी एक और मांग है कि रेलवे रोड की पूर्वी साइड, GT रोड की पूर्वी साइड पे जो सीताराम कॉलोनी है, आदर्श नगर है, गांधी कॉलोनी है, ऐसे बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर शमशान की कोई समस्या है, बड़ी भारी शमशान ना होने से लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पर 84 रोड पर पहले भी ये नगर पालिका ने रेजोल्यूशन पास किया था, हमारी मांग है कि वहाँ पर तत्काल शमशान का भूमि का निर्माण किया जाए। इसके अलावा हमने ये भी मांग करी है कि समालखा की जो गांधी कॉलोनी है वहाँ पर जो पुराना तहसील का दफ्तर है बंद पड़ा है, खंडहर पड़ा है, जहाँ पर असामाजिक तत्व जो है डेरा जमाए रखते हैं, वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए, वहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण किया जाए। इसके अलावा गोल्डन पार्क के अंदर भी जो है एक पुस्तकालय बनाया जाए और एक समालखा गांव के अंदर जो पटवार खाना बंद पड़ा है वहां पर भी पुस्तकालय बनाया जाए, और जो पुराना हॉस्पिटल है यहां पर जो बंद पड़ा है ब्योली रोड के ऊपर, वहां पर जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाए। तो ये मुख्य तौर पर हमने आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से के नाम ये ज्ञापन दिया है SDM साहब को, और SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द सरकार के पास भिजवा दिया जाए। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर,
पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।